अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं टैंगी फ्राइड प्रॉन्स। उसके लिए हमने लिया है 250 ग्राम्स प्रॉन्स, दो टमाटर कट कर लिए हैं हमने, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 3-4 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। हमने एक पैन चूल्हे पर रख दिया है। पैन गर्म होने के बाद हम उसमें ऑयल डालेंगे। मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है, आप चाहे तो कम या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हम उसमें डाले हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि हमने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था। उसे थोड़ी देर तलेंगे। तलने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने 2 टमाटर लिए, उसे बारीक बारीक कट कर लिया है और हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसमें हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 3-4 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट हमें देख के ही डालना होगा, क्योंकि कभी प्रॉन्स हमारे खारे पानी के समुद्र के भी आ जाते हैं, तो बहुत खारे होते हैं, उसमें नमक बिल्कुल नहीं डलेगा। अगर हम दोबारा नमक डाल देंगे तो वो और ज़्यादा खारे हो जाएंगे, इसीलिए हमेशा थोड़ा सा नमक डालिए, फिर टेस्ट करने के बाद और डालिए अगर आपको कम लगा तो। ये देखिए, हमने थोड़ी देर मसाले को पकने दिया है। टमाटर आधे मैश हो चुके हैं, हम उसे थोड़ी देर अच्छे से भून लेंगे और उसे स्पून से और थोड़ा मैश कर लेंगे। जो टमाटर मैश नहीं हुए हैं उसे भी हम मैश कर लेंगे और थोड़ी देर हम इसे और पकाएंगे ताकि स्मूथ मसाला बन जाए। हमें टोमेटो के लम्प्स नहीं चाहिए इस मसाले में, वरना हमारे प्रॉन्स बिल्कुल टेस्टी नहीं बनेंगे, थोड़े कच्चे कच्चे लगेंगे। इसीलिए हम इसे अच्छे से भुनेंगे ताकि पूरे टमाटर अच्छे से मैश हो जाए, तब तक हम इसे भुनेंगे। हम इसे लिड ढककर 2 मिनट पकाएंगे और हम उसके बाद इसमें अपने प्रॉन्स ऐड कर देंगे। हमने करीब 250 ग्राम्स प्रॉन्स लिए हैं, ये छोटे प्रॉन्स हैं और ये जो साइज़ आपको लग रहा है ना, पकने के बाद इसका साइज़ बिल्कुल छोटा हो जाएगा और ये स्पाइरल हो जाएंगे, कर्व्ड हो जाएंगे, ऐसे खुले हुए नहीं दिखेंगे अपन को। जब भी प्रॉन्स को हीट लगती है वो कर्व्ड हो जाते हैं, स्पाइरल शेप के हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि प्रॉन्स में से पानी छूट रहा है, हमने इसमें पानी नहीं डाला है। प्रॉन्स के जो पानी छूटेगा उसी में ये पकेंगे, उसी में ही ये टेंडर होंगे। हमें इसे थोड़ी देर मिक्स करके ढक्कन थोड़ी देर पकाना होगा, करीब 5-10 मिनट्स पकाइए। उसके बाद हम चेक करेंगे, हमारा प्रॉन्स अच्छे से पक गया है, टेंडर हो चुका है और इसकी ग्रेवी भी सूख चुकी है। आप चाहे तो इसकी कंसिस्टेंसी लूज़ रख सकते हैं। हमें लूज़ कंसिस्टी वाले प्रॉन्स अच्छे नहीं लगते, इसीलिए हमने पानी नहीं डाला, वरना आप पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी लूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे प्रॉन्स बन के रेडी हो चुके हैं, हमने इसे डिश आउट कर लिया है। अब इसे हम गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।